हाय वेलकम भाईस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्पेशल में। तो आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर बोल्ट। स्क्वायर बोल्ट को अब हम कैसे ड्रा करते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक 30 mm डायामीटर, 30 mm डायामीटर का एक आपको स्क्वायर बोल्ट बनाना है जिसमें जिसकी लंबाई 120 mm है तथा चूड़ीदार भाग की लंबाई, जितने भाग में चूड़ी कटी अर्थात एक्स को बोल रहा है कि ये 45 mm है। एक आपको स्क्वायर बोल्ट ड्रा करना है जिसमें जिसकी लंबाई 30 mm है, सॉरी जिसका व्यास 30 mm है, लंबाई 120 mm है और जो उसमें चूड़ी कटी है चूड़ीदार भाग की लंबाई 45 mm है। तो आइए अब हम देखते हैं कैसे इसको ड्रा करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कोई भी बोल्ट की, हम जब भी कोई भी बोल्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसे क्या बनाते हैं, साइड व्यू बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए दोस्तों ये एक बोल्ट है, यहां से देखेंगे तो अब क्या दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा। तो हम पहले सबसे पहले क्या बनाते हैं, साइड व्यू बना लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें साइड व्यू में आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर। अब दीजिए अगर डायामीटर 30 mm दिया है दोस्तों तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 15 mm होगी, हो जाएगी दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक 15 mm रेडियस का एक हम पूरा सर्कल ड्रा करेंगे। ये हो गया हमारा नॉमिनल डायामीटर का पूरा सर्कल हमने ड्रा कर दिया। अब बताइए क्यों हमने पूरा किया है, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें बोल्ट की तो ये जो हमारा नट होता है इसके ऊपर जाता है, अर्थात चूड़ी क्या होती है, इसके अंदर होती है, बोल्ट के अंदर, यानी यहां पर चूड़ी होगी। ये अगर पूरा नॉमिनल डायामीटर है इसको काट करके चूड़ी बनाई जाती है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं, सर्कल नंबर वन हमारा बन गया। अब बनाते हैं सर्कल नंबर टू, जिसमें अगर हम बात करें, अगर D1 से नोट करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.8D। कितना हो गया R1 की वैल्यू, 0.4D। अगर हम R1 की वैल्यू निकाले कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12 mm। तो अब हम 12 mm का एक सर्कल ड्रा करेंगे, लेकिन ये थोड़ा कटा होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है दिखाएगा कि ये थ्रेड का पार्ट है, ये हमारा थ्रेड को शो करेगा। अब बात करते हैं, आता है नंबर तीन, सर्कल नंबर थ्री बनाते हैं दोस्तों। डी अगर D2 से डिनोट करें, इसकी डायमीटर कितना होगा, 1.5D+3। अगर आपने अभी तक हेक्सागोनल जो बोल्ट हमने पढ़ाया है उसका अभी तक अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसको पहले जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हम R2 की बात करें कितनी हो जाएगी, 1.5D+3/2। अर्थात कितना हो गया दोस्तों, अगर हम रखें तो 15 × 45, यानी कि 45 + 3 = 48, 48/2 यानी कि 24 mm। तो अब हम 24 mm का एक हम बड़ा सा सर्कल ड्रा कर देंगे, 24 mm रेडियस का, यानी इसकी रेडियस कितनी हमने लिया है दोस्तों, 24 mm। अब क्या करते हैं दोस्तों कि अब हम, ये हमारा सेंटर पॉइंट अगर है तो यहां से हम सेंटर लाइन ड्रा कर देते हैं। इसको हम रफ करते हैं, आप इसको हम जब से आप नट पढ़ाया तब भी आपको बताया हूं कैसे ड्रा करते हैं और अब भी आपको बता दिए हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा नट वाले में भी और बोल्ट में भी। और यहां से ऐसे इसको हमने सेंटर लाइन ड्रा कर दिया, इधर भी सेंटर लाइन, एक वर्टिकल भी दोस्तों, ये सेंटर लाइन हमने ड्रा कर दिया। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये जिस पॉइंट पे टच कर रहा है हमारा सेंटर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वहां से हम इस पे स्पर्श रेखा ड्रा कर देते हैं, अर्थात टेंजेंट। तो हमने इधर भी ड्रा कर दिया दोस्तों ऐसे, फिर यहां से भी कर दिया, फिर ऐसे इधर भी, हो गया दोस्तों। अब ये हमारा क्या बन गया, साइड व्यू, साइड व्यू बन गया। अब दोस्तों साइड व्यू की मदद से अब हम बनाएंगे फ्रंट व्यू। तो हम इसको रफ कर देते हैं, यानी चूड़ी वाले भाग को हम x की वैल्यू को हम यहां लिख देते हैं, x = 45 mm। अब बताइए दोस्तों हमारा ये बन गया साइड व्यू। अब साइड व्यू की हेल्प से अब हम बनाएंगे क्या, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू कैसे ड्रा करेंगे,
अब देखिए हम इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ऐसे जाएगा, इसका भी प्रोजेक्शन हल्की पेंसिल से, फिर हम इसका भी प्रोजेक्शन ले लेंगे, फिर इसका भी दोस्तों प्रोजेक्शन ले लेंगे, फिर हमारा ये इसका भी प्रोजेक्शन चला जाएगा, थ्रेड वाला पार्ट है, और इसका भी प्रोजेक्शन चला जाएगा, यानी कि मेरा ये है ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे। तो दोस्तों अगर हम बात करें, यहां से हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, इस पॉइंट पे हमने सबका प्रोजेक्शन, यहाँ इसका हमने सबका प्रोजेक्शन यहाँ पे ले लिया है हल्की पेंसिल से। अब बताइए यहाँ एच कितना लेते हैं दोस्तों, 0.8D। अगर 0.8D की बात करें कितना हो जाएगा, 24 mm। तो 24 mm हमने ले लिया। अब यहां से 24 mm पर एक लाइन ड्रा कर देंगे, ड्रा कर दिया दोस्तों लाइन। इतना कर देने के बाद अब क्या करते हैं दोस्तों, ये देखिए यानी इतना हो गया। अब बताइए स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर आप देखेंगे यहां से देखिए तो क्या दिखेगा, सिर्फ आपको सिर्फ यही पोर्शन दिखेगा, एक सिंगल सा स्क्वायर, यानी अगर हम साइड से देखें इधर से तो क्या दिख रहा है आपको, ये दिखेगा सिर्फ सिंपल पोर्शन। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारा सेंटर लाइन है, इसको हमने ड्रा कर दिया, और अब है इसका प्रोजेक्शन। तो इसका यानी कि बोल्ट का जो नॉमिनल डायमीटर है, तो इसका प्रोजेक्शन हमने लिया है, ये है 11 है। तो अब हम इसमें नहीं ड्रा करेंगे, क्योंकि हम यहां से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, सिर्फ सिंगल पार्ट दिखेगा। तो अब हम इसको यहां कर देते हैं, और इसको भी हमने ये नॉमिनल डायमीटर वाला है दोस्तों, तो यहां कर दिया, और यहां से यहां तक का एल इज इक्वल टू है कितना, 120 mm, ये हमने एक लाइन ड्रा कर दिया दोस्तों। इतना हो गया, इतना आपका बोला था, ये हम सिर्फ डॉटेड से ले लेंगे इसका प्रोजेक्शन। हमारा ये बन गया इतना। अब बताइए दोस्तों कि ये है, अब यहां से R इज इक्वल टू 2D, यहां पर अपनी पेंसिल रखेंगे, और जहां कहीं भी 2D जाएगा डिस्टेंस, वहां सेंटर पॉइंट यहां पे अपना प्रकार की नोक रख देंगे, जहां 2D गया यहां पे पेंसिल रखा, और जहां कहीं भी 2D गया उसको सेंटर पॉइंट ले लिया, और सेम इसके बाद हम यहां से ऐसे ट्रैक कर देते हैं इधर, और ऐसे ही हो गया दोस्तों। अब ये हो गया हमारा, यानी ये है हमारा, यहां से अगर हम इसकी बात करें रेडियस जो हमने लिया आर इज इक्वल टू 2D। अब आता है दोस्तों बात कि हमारा जो थ्रेड वाला पार्ट है वो कितना होगा। तो थ्रेड का पार्ट का ये जा रहा है, तो थ्रेड का हम प्रोजेक्शन ले लिए, यानी ये है हमारा जा रहा है प्रोजेक्शन कुछ, यहां हम इसके लखे, यहां ये आया था तो हमने यहां से इसके लखा, और यहां पे पहले थ्रेड की लंबाई कितनी है, तो यहां से हम लंबाई ले लेंगे 45 mm, यह हो गया, इतना कर दिया दोस्तों। अब ये जा रहा है इसका प्रोजेक्शन, तो यहां से हम ला करके एक लाइन ड्रा कर देंगे ऐसे, फिर यहां से भी लाएंगे, यहां आ गया और ये आ गया, ये है हमारा 45 mm, यानी ये जो है हमारा थ्रेड वाले पार्ट का है, इसको डॉटेड से कर दीजिए, ये हमारे थ्रेड की लंबाई है। तो दोस्तों अगर थ्रेड की लंबाई है तो यहां से जहां कहीं ये पॉइंट आएगा हम फ्रेंच कर्व रखेंगे, और जिस पॉइंट पे हम मिलेगा हम कर्व बना देंगे, फिर यहां भी अपना फ्रेंच कर्व रखेंगे, और इधर जहां भी कहीं मिला इस पॉइंट से कर्व बना देंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। अब दोस्तों R इज इक्वल टू D, यानी हम यहां पर अपने पेंसिल रखेंगे, और यहां जहां कहीं भी R इज इक्वल टू D आया, अर्थात R इज इक्वल टू D जहां कहीं भी आया हमने पेंसिल रखा यहां पे, और ऐसे एक कर्व ड्रा कर दिया। हो गया दोस्तों, ये मेरा बन गया फ्रंट व्यू। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका हमने मतलब सबसे पहले हमने इसको बनाया, कैसे, सबसे पहले हम एक स्क्वायर, जैसे स्क्वायर नेट बनाते हैं सेम एकदम सेम वही करेंगे, बस दोस्तों वहां जो हम 0.8 वाला 0.8D को हम पूरा करते थे, पूरा सर्कल बनाते थे, यहां 0.8D का जो सर्कल बनेगा वो कम बनेगा, पहला जो सर्कल बनेगा नॉमिनल डायमीटर का, यहाँ पूरा सर्कल बनता है और अंदर वाला सर्कल थोड़ा कट जाता है, उसके बाद क्योंकि ये थ्रेड का पार्ट होता है। अब हम यानी इसका डायमीटर की, अगर हम इसके डायमीटर की बात करें यानी यहां से यहां तक, तो ये है दोस्तों 0.8D, और अगर हम इसके डायमीटर की बात करें यानी यहां से हम यहां डिनोट कर देते हैं दोस्तों, तो ये है हमारा डी, और अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो ये है हमारा 1.5D+3, यानी यहां से यहां तक, इतना हो गया दोस्तों। और ये हमारा है डाया, इसकी जो बोल्ट की जो मोटाई होगी वो इतनी हो गई। अब हमारे ड्राइंग का मेन पार्ट जो जो है
उसको हम एचबी पेंसिल से गाढ़ा कर देंगे। ये भी हमारे ड्राइंग का मेन पार्ट है। तो प्लीज दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो ऐसे हम इसको जो जो हमारा मेन पार्ट है उसको हम ड्रा कर देंगे, एचबी पेंसिल से गाढ़ा कर देंगे। देखो इसका भी ऐसे, ये आपका ड्राइंग का मेन पार्ट है, ये है ड्राइंग का मेन पार्ट, ये है दोस्तों ऐसे। अब रही दोस्तों इसके हमारे साइड फ्रंट व्यू बन गया, साइड व्यू बन गया, टॉप व्यू। तो दोस्तों अगर हम टॉप से देखें तो क्या दिखेगा, सेम जो यहां दिख रहा है फिगर मुझे, सेम ऐसे इधर भी दिखेगा फिगर, यानी यही फिगर का आपको नीचे भी अगर हम यहां से प्रोजेक्शन लेके बनाए तो सेम टू सेम इसका यही बनेगा। तो ये पूछता नहीं है जो है स्क्वायर बोल्ट में कि साइड व्यू आपको, चूंकि स्क्वायर बोल्ट का जो साइड व्यू होता है, सॉरी फ्रंट व्यू जो होता है वही टॉप व्यू होता है। अगर हम यहां से देखें दोस्तों तो टॉप व्यू में क्या बनेगा, यही जो फ्रंट व्यू बना है वही बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू और ये हो गया हमारा साइड व्यू। दोस्तों कैसे ड्रा करते हैं ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, एक बार और वीडियो देख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।